वंदे गुरुपद्द्वंदबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नि्तानंदसहोदि श्रीनंदनंदन वंदे राधि चरणोद गोपीजनों सयुक्त बिंदवनमनोहर बांशा कल्पतरु वश mm. के पासिंध वेवच पतितानं पाबुने भवैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचा लंग पंगुंग लघयति गिरं जतकी पातमहंग वन्दे परमानंद माधवं वृंदावई तुलसी देय भई पिया वै केशव सचishna भक्ति पद देवी सत्वत्वै नमो नमः নারায়ণ নমস্ত নরঞ্চম দেবীং সরস্বতিং ব্যাসে সংকীর্নে কৃষ্ণ কথোপদেশ গৌরীপ্রস্রকশনে পদনুর গুভক্ত ভক্তি প্রমোদর ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्ठदोहं तेथास्पदं शिव विरुञ्चनुतं शरण्यं भित्तात्युहं पुणुतपाल् भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुर्जित किमपि गपवधूष्वदर्शि पूर्णानुरागर ससागर सारूर्ति साराधिका कदा कृपा करोशि श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुने नंद सियात गदाधर शिव सदी कृष्ण श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुन आनंद श्रियाद्वैत गदाधर शिव सदी गौरभक्तबिंद

अजानुलम्बितभुजौ कनकाबुधातु सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायुताक्षौ विशाम्बरु द्विजवरु युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणाभतारो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे नमामि गङ्गे surair सुरासुरैर्बन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिञ्च मुक्तिं च ददासि sinitam भावानुरूपेण सदा नरानं गङ्गातरङ्गरमणीयजठाकलापं गौरी निरन्तरविभूषि नारायणो नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वरान्सि पुरपति भज विश्यनाथम् बागी लक्ष्मीर बागसजुस्वदने लक्ष्मीर्जस्व त्वम् जृदय संबींगम भजे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे नैषाङ्मतिस्तावदूरुक्रमाङ्गिं स्पृशात्तनर्थापगोमो जदर्थो मही असां पद्रजोविषेखं निष्किञ्चनानं न ना वृणीतो जावत् नैषांगस्ताव दूर क्रमा स्पृशातनर्थपगमो जधथो मही पजोभिषेक निषिंचना वृणीत जावा गोष्ठीपति श्रीशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जगत गुरुजी ने बताए बद्ध जीव किसी भी हालत से अनंत देव का साथ नाता जोड़ नहीं सकता गौरी गोष्ठी बोती श्री शिलाभक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जगह जगत गुरु जी ने बताए बद्ध जीव किसी भी तरीका से भगवान अनंत देव अर्थात भगवान का साथ नाता जोड़ नहीं सकता संभव नहीं है जीवों का हिम्मत नहीं है कि देव भगवान का साथ अपना संबंध जोड़ ले संभव नहीं है इसीलिए भगवान कृपा करने के लिए जीव के लिए धाम का रूप में नाम का रूप में गुरु वैष्णव का रूप में इस जगत में अवतीर्ण हुई है जीव किसी भी हालत से खुद क्षुद्र जीव क्षुद्र जीव किसी भी हालत से भगवान अनंत देव का साथ नाता नहीं जोड़ सकता इसीलिए भगवान कृपा करके धाम रूप में अवतीर्ण हुई जगत में नाम रूप में गुरु वैष्णव का न रूप में इस जगत में अवतीर्ण हुए कृपा करने के लिए क्षुद्र जीव का साथ भगवान का एडजस्टमेंट कैसे हो सके सबसे बड़ा सवाल ये है भगवान का साथ भगवान का साथ बद्ध जीवों का कैसे एडजस्ट हो सकता ये सबसे बड़ा सवाल है सबसे सबसे बड़ा सवाल ये है कि बद्ध जीव कैसे भगवान का साथ एडजस्ट करे नाता जोड़ ले और संबंध जोड़ के भजन करते रहे प्रेम जो संपत्ति है लाभ करे कैसे संभव है पोपाद जी एक मिसाल दे रहे हैं उदाहरण दे रहे हैं एक एग्जाम्पल पोपाद कह रहे हैं आसमान में सूर्य देव है आसमान में सूर्य देव है और सूर्य देव का साथ हमारा ये जो बद्ध जीव है ये धरती पे सूर्योदय का साथ हमारा जो डिस्टेंस का एडजस्टमेंट है सूर्योदेव का साथ हमारा जो एडजस्टमेंट है बहुत दूर है सूर्योदय बहुत दूर है सूर्योदय और पृथ्वी से चौदह लाख गुना बड़ा है और इतना जलता हुआ आग है बहुत मुश्किल सूर्योदय का साथ हमारा एडजस्टमेंट बहुत मुश्किल ये तो ठाकुर जी का एक कृपा है जो सूर्योदय का साथ हमारा ये धरती का एक एडजस्टमेंट एक सेल्फ डिस्टेंस है सूर्योदय से जो लाइट है आने में पृथ्वी में समय लगता है कुछ और इतनी सी डिस्टेंस काफ़ी है इसमें हमारा सूर्यों का जो ताप है आने से हमारा सुविधा होता है लेकिन सूर्योदय बाजार बहुत नज़दीक आ जाए तो हम जल के खाग हो जाएंगे अगर सूर्योदय बहुत दूर चले जाए तो हम ठंडी में मर जाएंगे बर्फ़ आके हमको परेशान कर देगा पूरा बर्फ़ आके ढाक देगा सारे तो बात कह रहे हैं ऐसे जैसे सूर्योदेव का साथ हमारा ये जीव जितना सारे जीव है धरती पे अप्रोप्रिएट एक एडजस्टमेंट है इसीलिए हम इतना सुविधा प्राप्त कर सकता है भगवान का साथ भी हमारा अप्रोप्रिएट एक एडजस्टमेंट होनी चाहिए जब भी भगवान अनंत है भगवान अनंत है और अनंत का आधार अनंत का आधार में भगवान को स्थान दिया जाए किसी बेकार जगह, क्षुद्र जगह, अपवित्र जगह में भगवान का स्थान देना संभव नहीं है भगवान का स्थान देना संभव है एकमात्र अनंत की आधार अनंत की आधार रहे अनंत की आधार अनंत की, की आधार पर भगवान का स्थान दिया जाए नहीं तो भगवान का एडजस्ट भगवान का साथ हमारा ये जो रिश्ता है भगवान इच्छा करके धाम रूप में नाम रूप में गुरु वैष्णव का रूप में अवतीर्ण होते हैं नहीं तो अप्राकृत वस्तु को भी प्राकृत गोचर नाकित वस्तु प्राकृत गोचर होने का कोई संभावना है नहीं भगवान का धाम भगवान का नाम भगवान का गुरु वैष्णव सब ये प्राकृत आँखों के द्वारा किसी भी हालत से दर्शन करना ये इंटेलेक्ट बुद्धि के द्वारा समयना संभव नहीं है इसीलिए भागवत जी महापुराण में एक श्लोक है अतः कृष्णनामादि न भवेद ग्राज्यमेंद्रिय अतः कृष्णनामादि अतः नामादि न सेवन मुखे ही युहायम स्वयमेव स्फूर्त अद स्फूर्ति अद जोर जबरसी नहीं चलेगी अतः किशन आमादि नव भवेद ग्राज्य इंद्रिय कहते हैं हमारा यही तो हमारा यही तो संबल है हमारा मेटेरियल माइंड मेटेरियल सेंस ऑगन यही तो मेरा संबल है और कुछ नहीं है सपोर्टिंग कुछ नहीं है और ये कोई अगर कहे जे मेट्रियल सेंस ऑर्गन के द्वारा कोई अगर कहे मेट्रियल सेंस ऑर्गन के द्वारा हम भगवान को समझ ले ये संभव नहीं किसी भी हालत से संभव नहीं इसीलिए भगवत जी महापुराण के ये श्लोक बताए अतः कृष्ण नामादि न राज्य मेंन्द्र ही मुखे ही जुहायम स्वयं व वो बात कहते जब हमारा सेंस ऑर्गन सारे भगवान का सेवा के लिए व्यस्त हो जाए तैयार हो जाए उसी समय अपने आप अप्राकृतिक जगत का जो मसला है गंभीर विषय है ये हमारा सामने प्रकटित हो जाएगा वो बात कह रहे हैं जब मेरा ये आंखें हैं जब मेरा ये आँखें हैं दुनिया का कोई भी चीज़ देखने के लिए व्यस्त नहीं है जब मेरा ये आँखें ये जड़ जगत का कोई वस्तु दर्शन व्यक्ति कामिनी कांचन आदि दर्शन करने के लिए तैयार नहीं है जब ये कान जड़ जगत का शब्दों सामान्यों सुनने के लिए तैयार नहीं है नफ़रत पैदा हो गया जब ये जिह्वा के द्वारा अपरागिक जगत का शब्द ब्रह्म उच्चारण करने का इच्छा पैदा होता हरि नाम हरि कथा छोड़कर इस जगत का किसी भी वस्तु में कोई लगन नहीं है वो तो बात कह रहे हैं जब हमारा तमाम सेंस ऑर्गन ये आँखों दुनियादारी का कोई चीज देखने के लिए तैयार नहीं है ये कानों के एक कान जड़ जगत का कोई विषय वस्तु सुनने के लिए तैयार नहीं है ये जीवा अप्राकृत जगत का शब्द ब्रह्म छोड़कर प्राकृत जगत का कोई विषय सुनने के लिए तैयार नहीं है अप्राकृत जगत का जो महाप्रसाद सेवन करने के लिए तैयार है बस उसी समय भगवत भजन करने का क्वालिटी आ सकता है भोपा जी कह रहे हैं अगर माया जॉय करना सबसे बड़ा मकसद होता तब तो भजन करने का कोई रास्ता ही है नहीं क्योंकि अगर हमारा जीवन जिंदगी में है सिर्फ माया को जय करने के लिए हमारा जीवन जिंदगी गुजर गया सिर्फ माया को जय करने के लिए हमारा जीवन जिंदगी गुजर गया तो हम क्या करें भजन कब करे करें दुनिया का बोका आदमी समझता है माया को जय करने का मतलब सिद्धि प्राप्त हो गया अब भजन हो गया दुनिया का आदमी यह सोचता है दुनिया का आदमी इतना बूखा है ये सोचता है दुनिया का आदमी सोचता है चलो माया जय कर लिया तो मतलब सिद्धि हो गया माया जय करना ये लोगों का सामने सबसे बड़ा मकसद है माया जय करना भी माया को जय करना भी ये भी एक किस्म का सिद्धि है ये भी एक किस्म का सिद्धि है लेकिन ये सबसे बड़ा चीज नहीं है गौड़िया भजन में पोपात कह रहे हैं पोपात कह रहे हैं अगर माया को जय भी कर लिया अगर माया को जय भी मान लो अगर मान लो कि माया को जय भी कर लिया ठीक है चलो माया को जय भी कर लिया लेकिन माया को जय करने का बाद इसका मकसद क्या है पोपात पोपा दस्किंग वो पूछ रहे हैं वो पूछ रहे हैं ठीक है चलो माया जय कर लिया लेकिन माया जॉय करने का बाद इसका मकसद क्या है माया जॉय करने का बाद अगर इसका मकसद सेवा में नहीं लगे हुए है तो ये मायावादी बनेगा जरूर पक्का बात वो कह रहे हैं माया जॉय करने का बाद देखना पड़ेगा इसका मकसद क्या है वाट इज इंटेंशन वट इज इस टारगेट माया जय करने के बाद अगर सेवा का लिए कोई इच्छा पैदा नहीं हुई तो यूं समझ लो मायावादी बन जाएगा और माया जॉय करने का बाद गुरु वैष्णव का संघ की प्रभाव के द्वारा भगवान का सेवा में लगने का इच्छा पैदा होता मतलब तमाम सेन सौगन भगवान का सेवा में लगने के लिए व्यस्त हो जाता जब तमाम सेन सौगन भगवान का सेवा में व्यस्त हो जाता तब ये अपराकृत जगत का जो गंभीर विषय है भगवान का धाम भगवान का नाम भगवान का परिकर वैशिष्टो लीला आदि सब हमारा सामने प्रकट हो जाए उसका पहले प्रकट होना संभव नहीं सबसे बड़ा चीज है सम्बन्धगन छोड़ के जो भजन करने का प्रयास प्रचेषा ये हर हालत में बेकार है बलदाजी महाराज धाम का रूप में प्रकट हुए हैं बलदाजी महाराज गुरु रूप में वैष्णव रूप में प्रकट हुए हैं भागवत शास्त्रों में ऐसा प्रमाण आता है भागवत शास्त्रों में ऐसा बहुत सारे प्रमाण आता है भगवान सदगुरु का बेस बनाकर जगत में प्रकटित होते हैं हम लोगों को बचाने के लिए हम लोगों को उद्धार करने के लिए भागवत जी महापुराण में श्लोक आता है प्रमाण हम लोगों को बचाने के लिए गुरु वैष्णव जगत में प्रकटित होते हैं और ये जो जो सुविधा हैं गुरु वैष्णव का संग करें गुरु वैष्णव का साथ परिक्रमा करे ये सब अगर छोड़ दिया तो हो गया छुट्टी और कोई संभावना है नहीं और भजन करने का वो को रिल और क्या करे और कुछ रास्ता है नहीं जे शाम स एष भगवान दयेद अनंत सर्वात्मना पदम यदि निर्वलीकम ते दुस्तरम उतित तरह मीति न भक्षे जय शाम स एष भगवान दयेद अनंत आश्रित पदम यदि निर्वलिकम सर्वात्म आश्रित पदम मतलब होल हार्टेडली टेक्सैल्टर निर्वलिकम है निष्कपट रूप में प्रकटित है निष्कपट भाव से भगवान का चरण में शरणागत हो जाए भगवान का कृपा मिले गुरु वैष्णव के कृपा मिले तो आगे चल के सुविधा परम पूजा सिदर को महाराज जी ने एक मिसाल दिया उदाहरण दिया कैसे सारे जीवात्मा मर रहा है ऐसे तो चैतन्य भागवत में दिखा दिया हुआ है ऐसे तो चैतन्य भागवत में लिखा हुआ है चैतन्य भागवत में, में सुंदर प्रमाण दिया है जगतेर पिता कृष्ण जय भवे बाप जगतेर पिता कृष्ण जय भजे बाप पिति दही पातों के जौनमे जन्मे ताप इसका मतलब ये नहीं हम कृष्ण को पिता समझ ले पिता समझने से हम रागानु का भजन नहीं कर सके कैसे करेगा पिता समझ लिया ना रूपानु का भजन नहीं करेगा पिता समझ ले तो रूपानुगो भजन नहीं हो सकता जो सिक्रेट पारुख्य रस जो मधुर रस हो नहीं सकता इसका मतलब ये है वृंदावन दास ठाकुर महाराज का सिद्धांत विचार पक्का है लेकिन कहने का क्या मतलब है विचार करके देखे तो कृष्ण पिता तो है ही है क्योंकि ब्रह्मा का पिता है लिखा हुआ है भागवत में तो ब्रह्मा का पिता मतलब सब कोई का सब जीवों का पिता है इसका मतलब ये नहीं क्या हम कृष्णों को पिता समझ के भजन शुरू करें इट इज वन काइंड ऑफ कंसेप्ट आइडिया कि पूरा जगत में ईश्वर परम विश्व स्वच्छिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद का <laughs> और इनके धाम का बारे में भी बताया हुआ है चिंता मुनि पुकर सद्मु कल्प भिक्षो लक्षिपालम लक्ष्मी सहस्र सम सेभ्यमान गोविंदमादिपुरुषम तमाम भजा चिंता मुनि पुकर सद्म कल्प भिक्षो माने क्या है धाम का सिक्रेसी बता रहे धाम का बारे में धाम का सिक्रेसी बता रहे चिंता मुनि पुकर सदम सुकल्प भिक्षो लक्षावृति सुसुर रिपाल अंतम ये जो बता रहे हैं धाम का अंदर में जो अपराकित धाम का अंदर में क्या क्या शोभा है क्या है ये अपराकित जगत का विषय उपस्था उपस्थापन किया गया ब्रह्म संगीता में बद्धजीव ये ना समझ ले कि धाम तो हमारा ये जैसे शहर ग्राम है ऐसा ही है काल भी चर्चा उठाया था धाम विभू वस्तु है धाम विभू वस्तु है भगवान से अभिन्न है धाम विभू वस्तु मध ये अनंत फिर भी कैसे संभव है बिबू वस्तु ये जो बिबू वस्तु कैसे ये मेटेरियल जगत में आ सकता है कैसे ये विभू वस्तु अप्रागिज जगत का धाम ये विभु वस्तु कैसे आ सकता है मिटेरियल जगत में ये कैसे संभव है इसका उत्तर भक्त में ठाकुर जी ने दिया है गोसाई गोस्वामी लोगों ने जीव गोस् सनातन सारे ये भगवान का अचिंत्य शक्ति का प्रभाव है ये भगवान का अचिंत्य शक्ति का एक प्रभाव है जिस अचिंत शक्ति का प्रभाव के कारण ये अपरागिक जगत का जो धाम है ये बिबू वस्तु होते हुए भी इस जड़ जगत में अवतीर्ण होते हैं काल इस विषय में चर्चा किया भक्त मोर कह रहे हैं भजन करते समय स्वरूप सिद्धि का ओर बढ़ रहा है ध्यान दे भजन करते समय वास्तविक साधन भक्ति वास्तविक साधन भक्ति जजमेंट करते करते स्वरूप सिद्धि का ओर बढ़ रहा है ओके ठीक है जब तक स्वरूप सिद्धि पक्का ना हो जाए प्रतिष्ठित न हो जाए तब तब धाम दर्शन में थोड़ा बहुत मिलावटी रहेगा किसी बाप का हिम्मत नहीं कुछ उससे छुटकारा मिले धाम दर्शन में तब तक मिलावटी रहेगा इसका उदाहरण मैंने दिया था भक्ति ठाकुर का अनुगत्व में या आप प्लीज एक टुकड़ा बादल लगता है कि सूर्य को ढक दिया लेकिन सूर्य को ढाकना हर हालत में असंभव है पहला बात तो है सूर्य पृथ्वी से चौदह लाख गुना से भी ज़्यादा बड़ा है जला हुआ एक पिंड है दूसरा बात है कितना कितना दूर है सूर्य देव और एक टुकड़ा बादल ये सूरज को ढक दिया ये अज्ञान की बात है ये हो सकता ये बादल जैसा भक्ति कह रहे हैं कि बादल जैसा जड़ जगत का जो आदमी है, जड़ जगत का आदमियों का दर्शन को ढाक दे ये हो सकता सूरज को ढाकना संभव नहीं है तो मतलब ये माने हुआ अगर हम धाम दर्शन करने के लिए वृंदावन गए अगर हम धाम दर्शन करने के लिए नवद्वीप धाम गए फिर भी हमारा पक्का दर्शन संभव नहीं है इम्पॉसिबल क्योंकि हमारा दर्शन में खोटा है भक्ति मंत्र कह रहे हैं जब तक स्वरूप सिद्धि ना हो जाए तब तक धाम दर्शन में थोड़ा बहुत खोटा रहेगा मतलब थोड़ा मिलावटी रहे माया का थोड़ा मिलावटी रहेगा इसमें बचने का कोई रास्ता नहीं है लेकिन जब सर्व सिद्धि हो जाए जब सर्व सिद्धि हो जाए भक्ति सिद्धि का दो रास्ता है एक है सर्व सिद्धि एक है वस्तु सिद्धि धाम का विशेष का बारे में हमको बताना है आज काल कालपुरशु से तो चलते रहेगा बहुत सारे गंभीर चीज जब धाम आप्राकृत जगत से पधारते हैं ध्यान देवास को जब अप्राकृत विभू धाम अप्राजित जगत से इधर पधारते हैं उस समय इसका नाम है गोकुल और नित्य जगत में जो विराजमान है हर वगत वो गोलोक है गो, गोलोक में हर लीला नित्य विराजमान है और गोकुल में एक फ्लो ऑफ लीला चलते रहेगा विशेष बात यह है गोलोक धाम में एक मिसाल दे दे गोलोक धाम में कभी अचरा कचरा अलाउ नहीं है कहने का मतलब है गोलोक धाम में कौक्सो का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है ध्यान दे इस बात को गोलोक धाम में पुतोना ओगासुर बकासुर का कोई कोई आइडेंटिटी नहीं है तो फिर पहले उसका कॉन्सेप्ट है आई बात समय में कॉन्सो नहीं है लेकिन कौसो का जो कॉन्सेप्ट है वो है ताकि लीला का पुष्टि हो जाए लीला का पुष्टि हो जाए राधा रानी के सहेली लोग कह रही है कृष्णो ज्यादा उठ पटंग मत करो ज्यादा उठ पटंग मत करो हम मथुरा में हम लोग शिकायत करेंगे कंसों का सामने ध्यान दे इस बात को हम लोग शिकायत करेंगे मथुरा मथुरा में कंसों का पास तो कंसों का पास जो तो शिकायत करे ये तो संभव है इस जड़ जड़ जगत में इस जड़ जगत में जब धाम वृंदावन धाम जब पधारते हैं इधर वो भौम लीला चल रहा है इस समय कंसों का एग्जिस्टेंस दिखाया जाता है ये जोग माया का खेल है कंसो है ओगासुर बकासुर और पारों अभाव ये भी एक विशेष रूप से प्रकट होता है गंभीर विचार है ये पारो अभाव विशेष करके ये जर जगत में जब भगवान कृष्ण का लीला जब प्रकटित होती आनंद चिन्हमय रसो प्रतिभावितावीर स्थावीर एवं निज रूपोतया कलावीर ये जो है जब भी ये ब्रजवासी ये राधारानी का ये तो कुछ साधारण नहीं है एक तो है भगवान बलराम जी शंकर सन बलराम से नित्य प्रकटित जो निजोजन है ये तो है जितना सारे परिकर हैं भगवान श्री कृष्ण का ये प्रकटित है बलदावजी महाराज से नित्य सिद्ध पार्षद और नित्य है इस जगत में ये नित्य बौद्ध से भजन करते करते आ ओ नित्य जगत में जाके उसका पोजीशन ले सकता है एक बौद्ध जी भजन करते करते नित्य जगत में जाके और जो नित्य जगत में जाके स्थान प्राप्त कर सक कर सकता है असंभव कुछ नहीं है कहने का मतलब है जब धाम इस प्राकृत जगत में अवतीर्ण होते हैं इसमें लीला का मिठास ज़्यादा है जैसे गोरंग महाप्रभु है महाराज गोरंग महाप्रभु का साथ ये चापाल गोपाल रहना तो ठीक नहीं है ये लिखा हुआ है शिवाजी जी का आंगन में दारू का पाथरो चाइना रोज जब आप फूल रक्त चंदन आदि देवी पूजा का सामान लेके उधर रख दिया यह हरकतें की और चापाल गोपाल का एग्जिस्टेंस नित्य जगत में नहीं हो सकता ध्यान दे इस बात को नित्य जगत में चापाल गोपाल का एग्जिस्टेंस नहीं है नित्य जगत में काजी का एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता नित्य जगत में नित्य जगत में इसका कॉन्सेप्ट है चलो हम कौसों का साथ हम कंसो राजा का साथ शिकायत करेंगे और गोपियों का अंदर में डर है मेरा मेरा पति देवोता मेरा पति देवोता को अगर पता चले मैं छुप छुपाकर प्रेम कर रहा हूँ कृष्णों का साथ तुम तो बड़ा पकड़ में आ जाएंगे और जोटिला कुटीला जो हर वक्त पीछे लग रहा है बदमाशी कर रही है आयान घोष ये सब जो कंसेप्शन है क्यों हमने बोला ये भगवान का लीला जब ये जगत में ये धाम धाम जगत धाम वृंदावन कोई धाम अगर ये जगत में प्रकट हो जाए उसमें लीला का मिठास ज़्यादा है लीला का मिठास ज़्यादा है क्योंकि यहाँ जोग माया जी ने हर गोपियों का हर मतलब जो जो गोपियों शादीशुदा है इनके शादी नहीं भाई वो अनोड़ा परोड़ा इत्यादि शब्द प्रोपादी उसका थे परोड़ा अनोड़ा अनोड़ा मैंने उसका अभी शादी नहीं भाई तो जो गोपियों का शादी भाई जोग माया ने ऐसा अरेंजमेंट कर दी कि इस जगत में इस समय मतलब जब धाम इस जगत में आए इस समय लगता है कि ललिता सोखी का हस्बैंड का नाम दुर्मुठ है विशाखा का हस्बैंड का नाम कुछ है और है ये सब करके हस्बैंड वाइफ कंसेप्शन विचार करके देखे इसमें कोई विशेष नहीं है क्योंकि पर्व अभाव जो है अपरागिक जगत में अप्रागिक जगत में पर्व आप जीव को मत कह रहे हैं अप्रागिक जगत में हर हालत में ये पर्व अभाव का एग्जिस्टेंस जरूर है और शक्ति अभाव का भी एग्जिस्टेंस है जो अपराकित जगत में जिसका एग्जिस्टेंस नहीं है पारक अभाव पारक अभाव अगर अपराखित जगत में एग्जिस्टेंस नहीं है तो जो अपराकित जगत में एग्जिस्टेंस नहीं है उसका एग्जिस्टेंस जगत में हो हुग, कैसे होगा तो सम और फॉर्म सम और अदर वे वो ऊपर गोलोकधाम में ये विराजमान है प्राकृत जगत में जब विशेष रूप से लीला प्रकटित प्रकट भूमिका में आए तब विशेष करके दिखाई पड़ता अरे राम लो कैसे बाधा विपत्ति इसीलिए भागवत जी महापुराण ने लिखा हुआ है ना सुखदेव जी कह रहे हैं जो जोगमाया के अरेंजमेंट है जब समस्त गोप जब सारे गोपियों जो शादीशुदा है शादीशुदा समस्त गोपियों ने निकाल कर चले गए कृष्ण कृष्ण अनुसंधान में कृष्ण का वंशी ध्वनि कर चले गए उधर लेकिन सुखदेव गोस्वामी में कह रहे हैं राजन ये सारे ये जो हस्बैंड है हस्बैंड का जो कंसे हस्बैंड है ना जो ने किया जोग भी इच्छा करके किया बोले ये जो हस्बैंड लोग है स्वारसो सानो 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 है न अपना अपना पत्नी को अपना पास से अपना बगल में वो महसूस किया ये तो है सामने सपारसोसानो स्वारसोस्तानो शान सानो ब्रजों सानो सानो को सहा ये महसूस किया ये सारे पत्नी जो है एक एक पत्नी जो चली गई सारे वो हस्बैंड लोगों का अनुभव है अश्वयानो ये लोग अश्वा प्रकाश नहीं करते कृष्ण का सा लड़ाई नहीं करते मोहित हो तश्व माया भगवान का जोग माया के द्वारा विमोहित होकर ये अशुआ मतलब हिंसा नहीं करते क्यों ना अशुयानो तश्य माया कशो भगवान का माया के द्वारा मोहित और सपार्शो सानो 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 ब्रजों का सह ये इन्होंने सब महसूस किया गोपियो अपना अपना पत्नी सामने है ये जोगमाया का अरेंजमेंट जो भी है चिंता मनी पकरो सद्म अल्प विक्षो लक्षा वृत्ति सुसुरुभि रविपालय अंतम ये जो अप्राकृत वृंदावन है इसको प्राकृत दृष्टि से कैसे देखा जाए कैसे देखा जाए कौन देखेगा क्योंकि अप्राकृत वस्तु को प्रकृत पा, को छोड़ना है लेकिन धाम परिक्रमा का क्या यूटिलिटी है पोपात कह रहे हैं पोपात कह रहे हैं पोपात कह रहे हैं कोई अगर विचार बना लिया चलो प्राकृत इंद्रियों के द्वारा कोई अगर विचार बना लिया प्राकृत इंद्रियों के द्वारा भगवान का सेवा हो सकता है कोई अगर ऐसा कहे कोई अगर ऐसा कहे कि प्राकृत इंद्रियों के द्वारा भगवान का सेवा संभव है वो बात कहते हैं ये बेशा का सदृश है ये बेशा संभव नहीं प्राकृत अवस्था रहते समय धाम का ठिकाना नाम का ठिकाना लीला का ठिकाना परिक्रप कुछ नहीं मिलता है पापा परम पूजा सिद्धौर गोसाई महाराज ने एक सुंदर मिसाल दिया क्यों जगत का इतना सारे आदमी मर रहा है भजन में हजारों हजारों आ रहा है लेकिन सब हॉस्पिटल में एक मॉर्ग है एक डेड बॉडी को फैला फेंका जाता है ना इनके फैमिली मेंबर में आए तो विचार करके ले जाए कौन इसका मुर्दा कौन है इसका रिश्तेदारी है वो ले जा डंपिंग रूम ऑफ़ डेड बॉडी इसको मॉर्ग बांग्ला में मॉर्ग बोला जाता है डंपिंग रूम डेड बॉडी को लेकर फेंक दो अब जिसका आइडेंटिटी करके ले जाए हम क्या करें ऐसा लिखा हुआ है परम जो श्रीघर्व से महाराज ने एक सुंदर उदाहरण दिया इस बात को अगर समझो कि धाम परिक्रमा संभव है धाम का दर्शन भी हो सकता लेकिन मेरा ये विचार जो है महाराज जी का अनुगत्व में मैं पेश करना चाहूँ वो क्या है भले महाराज विचार करके देखे एक वाटर लेक में पानी का एक तालाब में पानी का एक तालाब में सुंदर पद्म फूल खिले हुए हैं पानी का एक तालाब में बहुत सुंदर पद्म फूल खिले हुए हैं पानी का बीच में इतना सारे पद्म फूल है आह और आसमान में सूरज है पद्म बंधु सूरजों को माना जाता है पद्म बंधु मतलब ये सूरज जो है ये दोस्त की काम करता है पद्म बंधु और, और एक नाम है और कई नाम है न पद्म बंधु क्योंकि सूरज जब आसमान में उदित हो जाए सूरज जब आसमान में उदित हो जाए तब सूरज के किरण के द्वारा पद्म फूल विकसित हो जाते हैं सूरज के किरण के द्वारा ये पद्म फूल धीरे 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 विकसित हो जाते हैं और रात का समय में रात का समय में कुमुद कुमुदिनी कुमुद चंद्रमा का रो, रोशनी लेकर विकसित हो जाती है ये पद्म फूल सूरज देव को अपना दोस्त मानते हैं पद्म बंधु ये सूरज देव को दोस्त मानते हैं क्यों सूरज का रोशनी के द्वारा इसका परिस्फुटन संभव है परम भैया सीधर को सीमार कह रहे हैं एक बड़ा ध्यान देने वाला बात है बड़ा गंभीर विषय है वो क्या है भले महाराज आसमान में सूरज है तब तक ये सूरज दोस्त की काम करेगा सूरज जब तक आसमान में है आसमान में रहते समय कब तक दोष की काम करेगा कब तक हाउ लॉन्ग भले जब तक ये पद्म फूल पानी का आश्रय में है आई बात समझ में जब तक पद्म फूल जब तक ये पद्म फूल पानी का सहारा लेके विराजमान है जब तक तब तक ये सूरज जी है जो ये पद्म बंधु का काम करे नहीं तो नहीं करे जब तक पानी का सहारा में रहे पद्म फूल वो विकसित हो रहे विकसित होते रहेगा और पानी का सहारा फेंक दिया ध्यान दे स्थल पदों के बारे में मैं नहीं कह रहा हूं हम जल पदों के बारे में पानी का अंदर में जो पद कहने का मतलब है अगर ये पानी का पद्म फूल को पानी का अंदर में जो विकसित हुए हैं ये पद्म फूल को उठाकर अगर जमीन में रख दो ये सूरज का जो रशनी है किरण है ये किरण ये पद्म फूल को जला के खाक कर देगा आई बात समझ में ये जला के खाक कर दे अब जब तक पानी का सहारा में रहे तब तक इसका देखने लायक मूड है लेकिन जब पानी का सहारा छोड़ दे तो ये पद्म फूल एक ही सूरज भगवान अपना उत्ताप दे रहे हैं किरण दे रहे हैं लेकिन ये मौत की बराबर है आई बात समझ में पद्म फूल जल के खाक हो जाए। पर हम जो सिदर कह रहे हैं इसी जस्ट लाइक दिस एग्जाम्पल ये जो उदाहरण दिया ये कोई मजाक नहीं है ये उदाहरण अपना जीवन जिंदगी में टैली करना चाहिए अपना जीवन जिंदगी में ये जो मिसाल उदाहरण है इसको टोटली टैली करना चाहिए कैसे कैसे टैली करे पहले उदाहरण दिया सिदर उसी महाराज जब शिष्य गुरु जी गुरु वैष्णव का सहारे में विराजमान रहते हैं जब गुरु वैष्णव का सहारा लेकर ये जो शिष्य लोग रहते हैं विराजमान हैं तब तक इनके कीपा की बास चलते रहेगा कीपा आगे बढ़ते रहेगा कोई दिक्कत नहीं है ये बताया गया ए पद्म फूल जब पानी का सहारा छोड़ दे मतलब गुरु वैष्णव का सहारा छोड़ दे उसी सूरज त्रिताप जला जैसे सूरज पद्म फूल को जला देते हैं पानी का सहारे के बिना अगर पद्म फूल जला के ख कर दे इसी तरीका से जब गुरु वैष्णव का सहारा छोड़कर मैं जीना चाहता हूँ ये एक मौत की एक मौत की बराबर है मौत जैसा है धामेरो स्वरूपो स्फूरी वे नयो ने हो राधारो बहुत सारे प्रमाण है धाम दर्शन उतना इजी नहीं है तो जैसे शिष्य लोग हम लोग सब गुरु वैष्णव का सहारे लेकर जब तक विराजमान हैं तब तक तमाम दुनिया का फैसिलिटी सुविधाएं मिलते रहेगा भजन का और जब गुरु वैष्णव को छोड़ दिए उसी सूर्यो सूर्यों को तुलना करा की सूर्यों को तुलना किया गया नंदन नंदन भगवान श्री कृष्ण का साथ नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण का साथ तुलना किया गया ये नंदन नंदन श्री कृष्णों को सु जैव धर्म में बताया गया चित सूर्य जैव धर्म में बताया गया चित सूर्य है भगवान श्री कृष्ण ये भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने आश्रय लिया नहीं इनके लिए बड़ा खतरनाक पैदा कर सकता है आश्रय लोहिया भजे तारे कृष्ण नहीं तेजे आर मरे अकारण लिया है आपने आपने लिया है धाम का आश्रय कह सकते हो आपने धाम का आश्रय लिया आपका आपने नाम का आश्रय लिया क्या क्या गुरु वैष्णव का आश्रय लिया आश्रय लिया है कि नहीं गुरु वैष्णव का आश्रय लिया है कि नहीं बताओ अगर पक्का लिया है तो आपका कुछ डिपोजिट है आपका कुछ फैंसीबल एटीट्यूड है कुछ नहीं हो सकता कुछ नहीं हो सकता यह संभव नहीं है धाम अपराकित है धाम का अंदर में कोई कचरा नहीं है रह सकता और धाम का आश्रय में रहे तो इससे बढ़कर फायदा कुछ नहीं है हमारा गुरुवर्गो ने गुरु जी ने विशेष करके बताया बेटा कोई अगर मानस भूमि कोई अगर मानस भूमिका में वृंदावन में रहे ठीक है चलो कोई अगर मानस भूमिका में नवद्वीप धाम में रहे तो चलो कोई बात नहीं क्या हर्जा है कोई तो दिक्कत है नहीं धाम में है ठीक है चलो धाम में है लेकिन धाम में कौन है आ धाम में कौन नहीं है कैसे समझेगा कैसे समझे हम धाम में रहकर कितना आदमी उठ कर रहा है धाम में रहने का तरीका है धाम में रहने आया है धाम में बिजनेस शुरू कर दे होटल खोल दिया रंडीबाजी चल रहा है बहुत सारे चीज़ चल रहा है लेकिन ये सब धाम का अंदर में नहीं है धाम का अनुभव के लिए ये सब जानकारी जरूरी है धाम का पक्का जानकारी लेने के लिए सब पूरा जो मसला है इसका जानकारी जरूरी है नवद्वीप धाम वृंदावन धाम ये प्राकृत जगत का कुछ नहीं है फिर भी अचिंत शक्ति के द्वारा इस जड़ जगत में इसका प्रकट प्राकट्य इस जड़ जगत में इनके जो प्राकट्य है ये तो अहो भाग्य गुरु वैष्णव का धाम का नाम का भक्तिमोहन ठाकुर जी ने नाम का कीर्तन में लिखा है ना ये नामेर कोली का प्रेम भक्तिमोहन ठाकुर जी ने लिखा है नामेर कोली का प्रेम ईशोद विकोशी पुनो देखाई निज रूपगुनो चित्त हुई रोए निज पास धाम में रहते हुए भी बीस पच्चीस साल पचास साल धाम में रहते हुए भी मैंने सुना मैंने सुना एक साधु को बोलने मैंने कभी चौरासी कुछ नहीं किए बाबा अब ले चलो हमको बताया मतलब ये जो पचास साल रहा धाम पे धाम का कोई महिमा समझा नहीं क्योंकि पचास साल में अगर एक भी चौरासी कोस नहीं किए तो कैसा धाम बस है कैसा सेवा है कैसा धाम बस है इसका ये धामबास तो बेकार धामबास है देखा ही नहीं दर्शन किया नहीं धाम का स्वरूप दर्शन करना जरूरी है बहुत सारे विचार हैं धाम का स्वरूप दर्शन करना और धाम का आश्रय लेना जरूरी है धाम का आश्रय ले ले गुरु वैष्णव का आश्रय ले ले तो कोई दिक्कत नहीं है अच्छा है धाम का आश्रय ले, ले लेकिन धाम का आश्रय कैसे ले ले पहले अगर गुरु वैष्णव का चरण का दर्शन नहीं हो पाए नैशांग मतीस्तावतु क्रमांगी स्पृशतानगमो जदर्थो मही असाम न निष्किचना तो जावत जब जा तक जब तक जब तक जब तक जब तक, तक हमारा दर्शन नहीं होते जब तक गुरु वैष्णव का अनुगत्व में नहीं रहे जब तक गुरु वैष्णव का अनुगत्व में ना रहे जब तक गुरु वैष्णव का अनुगत्व में ना रहे जब तक गुरु वैष्णव का अनुगत्व में ना रहे कृपा ना मिले तो मेरा धाम दर्शन बेकार है मेरा धाम दर्शन मेरा धाम का स्वरूप अनुभव सारे बेकार है कोई काम का नहीं है इसलिए धाम दर्शन करने के लिए नाम का भी सहारा लेना पड़ेगा और धाम दर्शन धाम दर्शन धाम सेवा बहुत जरूरी है गिरा हुआ इंसान जो है ये धाम का सेवा करते करते उसका अनर्थ बहुत जल्दी इससे अच्छा तरीका और कुछ नहीं है इससे अच्छा तरीका और कुछ नहीं है धाम का परिक्रमा धाम का सेवा करते करते भगवान बहुत जल्द जल्द से जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। बहुत जल्द इतना जल्दी क्योंकि यह बलदेव तत्व है क्योंकि ये बलदेव तत्व है इसलिए इतना जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और गुरुजी ने लिखा है वाणी में सुंदर हमने ये छपवाया था धाम परिक्रमा धाम सेवा और पोपात के जमाने में धामेर मजूर धाम का लेबर ऐसा बोल के आर्टिकल ले निकाला था धामेर मजदूर बहुत सुंदर विचार है गुरु जी का सामने बहुत सारे भक्त आते थे फॉरेनर लोग बहुत सारे और पूछते थे महाराज हम लोग धाम में विराजमान हैं और विग्रह दर्शन करते रहते हैं गंगा नदी में स्नान करते रहते हैं प्रसाद पाते हैं लेकिन लेकिन हमारा अंदर में क्यों ऐसा हो रहा है कोई भजन का तरक्की नहीं महसूस हो रहा है क्यों हमारा अंदर में भजन का जो तरक्की है महसूस नहीं हो रहा है किस कारण गुरु जी बोलते हैं देखो आप धाम में रहते हो आप सोचते हो कि धाम में रहते हो लेकिन आप धाम में रहते हो भी आप धाम में रहते हो भी आप धाम में रहते हुए भी आपका माइंड धाम का बाहर रहता है आप गंगा स्नान में जाते हो वहाँ अपराध करके आते हो आप सोचते हो कि गंगा प, गंगा का पानी मेरा एंजॉयमेंट के लिए गर्मी काल में चार बार रहेंगे ठंडी का मौसम कौन जाए नहने इट इज़ वन काइंड ऑफ एंजॉयमेंट। गंगा स्नान का क्या तरीका है ये सीखो धाम परिक्रमा कैसे कर किया जा सकता है हर विग्रोह का कैसे दर्शन होता है और क्यों हर मंदिर में गौरंगमाप है उसका बाद राधा गोविंद है ये जड़ जगत का आदमी प्रश्न करता है क्यों महाराज हर मंदिर में गौरंग है उसका बाद राधा गोविंद है गौरंग को हटाया जाए या तो गौरंग रहे राधा गोविंद दोनों क्यों क्या मकसद है हमने ज़्यादा उत्तर नहीं देते हुए एक सेंटेंस में बता दिया देखो हमारा गौरी भजन है गौरंग महापूर का अनुगत्व में राधा गोविंद का भजन ओ अच्छा गौरंग महापू का अनुगत्व में राधा गोविंद का दर्शन धाम में रहते हुए भी धाम में नहीं है और धाम में नहीं रहते हुए भी धाम में है दोनों पॉसिबिलिटी है धाम में रहते हुए भी धाम में रहते हुए भी धाम में नहीं है और धाम का बाहर रहते हुए भी धाम में है गुरु जी कहते हैं गुरु जी कहते थे जो अगर कोई मानसिक भाव लेकर वृंदावन का बाहर नवद्वीप का बाहर भजन कर रहे हैं चलो ठीक है लेकिन विशेष ये है ये तो ठीक है नवद्वीप धाम का बाहर है किसी शहर में भजन कर रहे हैं और किसी गांव में भजन कर रहे हैं मानसिक मानसिक रूप में नवद्वीप धाम में हैं ये विचार कर रहा है और कुछ ने विचार कर रहा है हम वृंदावन धाम में चलो ठीक है लेकिन गुरु जी कहते थे शास्त्रों का विचार है जब आप ब्रह्मराज ये जो नवद्वीप धाम हैं आप चंडीगढ़ में बैठ के भजन कर सकते हो कोई हर्जा नहीं लेकिन जब ब्रह्मराज ये जो ब्रह्मा का लिए रेयर है केश शेषाद अगम्या अगर ब्रह्म रज ये नवद्वीप धाम में ब्रह्म रज में बैठे हुए ब्रह्म रज है हर पल पल में धूलि उड़ रहा है कौन ज, कौन जाने चैतन्य महापू का चरण धूली या तो या तो नित्यानंद बहू का चरण धूली या तो कोई भक्तों का चरण तो कौन जाने लेकिन धाम में परिक्रमा का तो ये फैसिलिटी है ना परिक्रमा करने समय जाने अनजाने में किसी वैष्णव का चरण धूलि आ सकता है धाम परिक्रमा इतना सुविधा है भगवान कह रहे हैं कि हम भक्तों का पीछे जाते हैं क्यों जाते हो क्या कारण है भगवान कह रहे मैं भक्तों का पीछे भागता हूँ क्यों भले इसलिए भागता हूँ कि भक्तों जब आगे चलते हैं चरण का धूली हवा में चलकर मेरा शरीर में आएगा और मेरा शरीर में अनंत ब्रह्मांड है इसीलिए मैं भक्तों का पीछे चलता हूं ताकि ताकि भक्तों का चरण रज मेरे को मिल जाए वाह वाह बा, कितना सुंदर विचार है भगवान ने उत्तर दिया ब्रजामी अहम तुथी ओंगु भी अंग्री रेणु भी पीछे मैं चलता हूँ भक्त लोगों का इसका मकसद इसका कारण बताया कैसे अहम भक्तों का पीछे मैं दौड़ता हूँ क्यों रेणु भी भक्तों का चरण का जो धुली है तो उड़ उड़ के मेरा मस्तक में चाल क्या धाम परिक्रमा का समय में माधव महाराज का चरण धुली मेरा सर पर नहीं आ सकता क्या भक्ति पुर्गी परिक्रमा कर रहे हैं लाठी ठोक ठोक के क्या हमारा सर पर गुरु जी का चरण नहीं आ सकता क्या संभव नहीं है क्या हैं संभव नहीं है और धाम तो नित्य विराजमान तो है किसको पता है कि सीधाम सुदाम वसुदैम और राधा रानी का चरण नहीं आ रहा है कौन जाने किसको पता है राधा रानी का चरण नहीं आया गारंटी दे सकते हो आप क्योंकि राधा रानी नित्य विराजमान है धाम में और पहले प्रकट बिहार या प्रकट बिहार का समय में लीला की है अभी अप्रकट बिया और चैतन्य में लिखा हुआ औदा पियो शे लीला करे गौर राय कोनो को भाग्यवाने देखी बारे पाए हर भाग्यवान व्यक्ति दर्शन कर सकता है जैसे एक मिसाल दिया मैंने शिवा संगन में जोय जैव धर्म में है खोल कर देख लेना जैव धर्म में है श्रीनाथपुर का दो लड़का रघुनाथ बाबा जी महाराज जी का पास आते थे भजन शिक्षा हरिनाम लिया दीक्षा लिया और भजन शिक्षा के लिए हरिकथा सुंग कथा सुनने के लिए सत्संग करने के लिए बाबा जी महाराज का पास आते थे और बाद में जब दीक्षा ली बाद में जो ये दोनों लड़का दीक्षा ले ली इन लोगों ने कुछ भंडारा का व्यवस्था किया कहाँ शिवा संगन में शिवा संगन में भंडारा का जो अरेंजमेंट है सारे व्यवस्था है और शिवा संगन में सारे भंडारा चल रहा है बैठे सब प्रसाद पाने के लिए तैयारी हो गया प्रसाद पाना शुरू कर दिया इतने में क्या हुआ ये रघुनाथ दत्त बाबा जी महाराज का चमत्कार है और श्रीनाथपुर का जो लड़का है इसका निष्कपट भाव इसका जो निष्कपट भाव का विशेष आरती है इन दोनों जो आदमी हैं जो लड़का है नौजवान है ये दोनों जो नौजवान हैं श्रीनाथपुर से आए हुए हैं ये दो नौजवान हैं इनके जो निष्कपट भाव इनके जो कृपा गुरु कृपा रघुनाथ दास इसको रघुनाथ रघुनाथ बाबा रघुनाथ दास हमारा रघुनाथ दास गोस्वामी नहीं है यह हमारा जैव धर्म में लिखा है रघुनाथ दास बाबाजी महाराज ये शिवासांगन में रहते थे और रघुनाथ दास बाबाजी महाराज का इतना महिमा चमत्कार है जब 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 प्रसाद परोसने का व्यवस्था हुआ वो प्रसाद पाना शुरू कर दिया महाप्रसाद गोविंदे नाम ही ब्रह्म शुरू हो गया इतने में धाम का झांकी दर्शन आ गया हैरान करने वाला बात है इसी बीच में इसी बीच में धाम का झांकी दर्शन हो गया आश्चर्य की बात है धाम का धाकी दर्शन हो गया धाम देख लिया हाँ हाँ कितना सुंदर चिन्मय धाम है कितना सुंदर धाम का महिमा कितना सुंदर धाम का महिमा धाम का प्रभाव तो इसलिए ऐसा लिखा हुआ है धाम का महिमा का बारे में ये धाम का महिमा अपार धाम का महिमा अपार है इसका कोई तुलना नहीं दिया जाता है हमारा बीदुर जी महाराज तीर्थाटन करने के लिए गए और धाम परिक्रमा भी किए धाम परिक्रमा भी की है, परिक्रमा करने के लिए चले और ज्युधिषि महाराज कह रहे हैं भवत विदा भगवतहा तीर्थभूतः स्वयं विभो तीर्थी कुरवंती तीर्थानी शांतोस्तैन और गदा भिता ऐसा क्या गारंटी है राधा राधारानी का चरण धुली नित्यानंद का चरण धुली नहीं आ रहा है मेरे ऊपर क्या गारंटी है गारंटी है नहीं आ सकता कितना महिमा मय धाम है कितना भक्तों लोगें परिक्रमा किया इनके चरण धूलि विराजमान है हवा के द्वारा चल के आगे चल के मेरा सर पे आग भी सकता है इसीलिए ब्रजमंडल परिक्रमा का समय किसी किसी भक्तों ले लोग ने धूली चल रहा था ना सारे भक्त चल रहे तो धूली को रोकने के लिए ऐसा किया ऐसा किया कपड़ा से नाक को ढाका है पोपा जी ने जब देखा पोपा जी ने बोले क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो आप लोग हटा लो धाम का धूली हर हालत में अंदर जाना चाहिए पप्पा जी ने शिक्षा दिया हरी कथा हर हालत में धाम का धूली हमारा नासा में जाना चाहिए हमारा हृदय में जाना चाहिए क्यों जब जाए पूरा अनर्थ फिनिश नई शांग मतीबत उरु क्रमांग स्पेशति अनर्थापमो यदर्थो महीं पद रोजो विषे कम मही असाम पद रोजो सेकम निष्किंचनानम आनम नौ ब्र तुझाव जब तब लड़ाई करते चलोगे कुछ फायदा नहीं है कुछ फायदा नहीं है शुद्ध गुरु वैष्णव का सहारा ले लो संबंध ज्ञान हुआ अगर संबंध ज्ञान हुआ आपका पेन नहीं क्यों हो रहा है आपका कष्ट नहीं हो रहा है क्यों नित्यानंद का लिए गौरांग का लिए गुरु वैष्णव का लिए आपका संबंध नहीं है जब भी आप कहते हो या आपका साथ जन्म जन्म का संबंध है अगर मेरा साथ जन्म जन्म का संबंध है तो जो लोग क्लेश दे रहे हैं आपका क्लेश क्यों नहीं हो रहा है हमारा गुरु जी को अगर कोई पेन दे कष्ट दे तो तुरंत मेरा लग जाएगा पापा जी ने बोला ये भक्ति का लक्षण है पापा जी ने बोला गुरु वैष्णव का अपमान में गुरु वैष्णव अपमान में उसका जवाब देना ये उचित है गुरु वैष्णव का अपमान में जवाब देना उचित है इसी का नाम भक्ति असम्बन्ध अगर हुआ ही नहीं तो क्या होगा अपना अपना हिसाब से रहो क्या होगा क्या होगा करो तो धाम का परिक्रमा का समय में ये सब ध्यान में रख रक, रखते हुए करना चाहिए गुरु जी कहते थे धाम का एक पेड़ पौधा को भी काटना नहीं चाहिए पात जी कहते थे एक एक वृक्ष जो है वो सब क्या है अच्छिमय भूमि है इसमें ऋषि मुनि है ऋषि मुनि लोगों ने ऋषि मुनि लोगों में विराजमान है वृक्षों का रूप कांटोमात कौन जाने कौन ऋषि कौन जाने कौन ऋषि है काटो मात ऐसा करके उपदेश दिया धाम में उठपटंग नहीं करना चाहिए बिजनेस नहीं करना चाहिए धाम बस मतलब साक्षात धाम में मैं हूँ ऐसा अनुभव चाहिए तमाम बद्ध जीव ये धाम में है बाहरी दृष्टि में लेकिन भक्तों मत कह रहे दे आर ऑल ऑन ए नेट दे आर ऑल ऑन ए नेट तमाम ये नेट का ऊपर है धाम का साथ कोई स्पर्श नहीं है चलो ठीक है और ये धाम का बारे में दो शब्द कह के, के हम छोड़ दें कि ये जो ये जो स्वरूप सिद्धि है क्या है ये भक्ति सिद्धि है ये भी एक किस्म का भक्ति सिद्धि और भक्तिमो ठाकुर जी ने बताएं भक्तिम ठाकुर जी ने बताएं स्वरूप सिद्धि का समय पक्का स्वरूप सिद्धि का समय क्या होना है बजे ये गोकुल में ये गोकुल में गोलोक दर्शन करेगा गोकुल के अंदर में गोलोक को देखेगा और वस्तु सिद्धि और जब वस्तु सिद्धि हो जाए और जब वस्तु सिद्धि हो जाए तब क्या होगा बोले तब गोकुल में जाए गोकुल में गोलोक को देखे गो, तब गोलोक में जाके गोकुल को देखेगा एक है अलग कुछ नहीं है अभी सर्व सिद्धि लेकर ये प्रापंछिक जगत में जो धाम अवतीर्ण हुए हैं इसमें एक गोकुल में, में गोलोक दर्शन है आज जब आप आप जब वस्तु सिद्धि मिलेगी जब आपको वस्तु सिद्धि मिलेगी जब आपको वस्तु सिद्धि मिलेगी तब तो ये गोलोक का एक गोलोक का अंदर में गोकुल का दर्शन होगा जरा साल बात यह है कि एक ही है गोकुल और गोलोक में कोई फर्क नहीं है एक हमने कहा था एक गोलोक वृंदावन है नवदीप गुप्त वृंदावन और ये भी कमल फूल का जो विन्यास बताया गया ये श्तोद्दीप माना गया श्वेतोद्दीप अक्षम ये जो द्वीप है ये तो अप्राकृत धाम है और वृंदावन से अभिन्न है और सिर्फ इतना ही नहीं भगवान श्री कृष्णों का जो इतना सारे लीला लीला हुआ भगवान भगवान श्री कृष्णो भगवान श्री कृष्णों का जो सब लीला हुआ नंदन नंदन कृष्णों का तमाम लीला का ये जो तमाम जो लीला हुआ इसका वृंदावन धाम में जो लीला सारे सब चल रहे हैं वृंदावन धाम का अंदर में ये सब दर्शन करना बड़ा भाग्य की बात है लेकिन दोष दर्शन हो जाएगा नहीं तो उल्टा हो जाएगा जो भी है गुरु वैष्णव का अनुगत्य में हमने बार बार बताया जे गौरांग लीला इज द एपेंडिक्स ऑफ कृष्ण लीला कृष्ण लीला का परिशिष्ट है अब धीरे धीरे हम धाम परिक्रमा आदि कैसे सब चर्चा करना शुरू कर देंगे आप यहाँ तक अपना प्रवचन को समाप्त घोषणा करें क्योंकि रात हो गया चिंता मणिपकर भिक्षो लक्षा ब्रितिश्रोभी रिपाल अंतम लक्ष्मी सहस्र शत समम शिव्यमान गोविंदमादि पुरुषम तमाम बजामी जय नवदीप धाम की जय नवदेप परिक्रमा की जय धाम महिमा की जय गौर प्रेमानंदे हरिहरि